हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन। आज मैं बना रही हूँ सत्तू की कचौड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू बना लेते हैं। ये मैंने बाजार से 150 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। सत्तू को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसमें बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटा छोटा साइज का प्याज, 3-4 हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक और लहसुन, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून मंगरेला, थोड़ी हरी धनिया, नींबू का रस आधा कटा हुआ। अच्छे से इसमें निचोड़ दें। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो एक पूरा नींबू डाल सकते हैं। इसमें भरे हुए मिर्चे की खटाई है, इससे थोड़ा मसाला, इसका जो स्टफिंग है, चटपटा बनेगा। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दें। सरसों का तेल 3-4 चम्मच तक डाल दें। अब इसको अच्छे से मिला लें। सत्तू की स्टफिंग मेरी तैयार हो चुकी है। अब आइए इसके लिए आटा लगा लेते हैं। 250 ग्राम आटा ले लेते हैं। इसमें थोड़ा अजवाइन मिला लेते हैं मोयन के लिए, घी, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसको मोयन अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से आटे में अब्जॉर्ब हो जाए। घी अच्छे से आटे में मैंने मिला दिया है। अब इसे गूंथ लेंगे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंथना है, रोटी से थोड़ा टाइट हो। आटा मेरा गूंथ गया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी यूज कर सकती हैं। आधा घंटा हो चुका है आटा को सेट हुए। अब लाइए इसके पेड़े बना लें। इसमें थोड़ा सूखा आटा भी लगा लेते हैं। इस तरह से आप पेड़े बना लें, किनारे से पतला करते हुए, इस तरह घुमाते हुए। अब इसमें सत्तू की स्टफिंग भर देंगे। अब इसमें सत्तू की स्टफिंग भर दें। 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा भरें। बहुत ज्यादा भरने पे तलते समय ये फट सकता है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर दें और ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको निकाल दें। आप चाहे तो इसी तरह तल लें। अगर आपको पतला चाहिए तो आप थोड़ा सा हल्का सा इसे बेल सकते हैं, बस ज्यादा नहीं बेलना है। इसी तरह आइए और तैयार कर लेते हैं। सत्तू की कचौड़ियां मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब आइए इसको तल लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है। मैं एक बार में 3 कचौड़ियां डाल लूंगी। गैस मैंने मीडियम किया हुआ है, इसे आराम से
एक तरफ होने दें। अब इसे पलट देते हैं। आप इसे चाय के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ते में, लंच और डिनर में इसे ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। कचौड़ी मेरी तैयार हो चुकी है, तल गई अच्छे से। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप कभी जब भी सफर के लिए इसको बनाएं तो इसे, जब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं तो उसमें से सत्तू में से प्याज और लहसुन हटा दें और ये आराम से 2-3 दिन सफर में चल जाता है। आइए अब दूसरा बैच निकाल लेते हैं। सत्तू की कचौड़ी मेरी तैयार हो चुकी है, आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कैसा बना है कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।